हेलो गाइस, आज आप लोग को बताते हैं कि लैपटॉप में जो ग्राफिक होता है तो ग्राफिक कैसे चेक होता है। खैर, लैपटॉप में ग्राफिक होते नहीं हैं, लैपटॉप में जो है ना जीपीयू होते हैं। तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ टास्क बार में जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना। आपको राइट क्लिक करके आपको टास्क मैनेजर होगा, टास्क मैनेजर पर जाके यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर मोर डिटेल्स में जाना। मोर डिटेल्स में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ग्राफिक है कि नहीं। ये आपका मोर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ खोलते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस में जाके। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर सीपीयू लिखा हुआ, तो सीपीयू में तो ये आपको प्रोसेसर बता देगा कि i5 8th जनरेशन है। ये मेमोरी हो गया, तो मेमोरी आपका रैम हो गया 8 GB। ये डिस्क हो गया, तो डिस्क SSD हो गया, जो स्टोरेज जो जिसको SSD बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें GPU मतलब इसमें ग्राफिक है ही नहीं, तो ग्राफिक नहीं है तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो ये क्लियर है कि अगर ग्राफिक होता तो यहाँ पर आपको डिस्क सी के नीचे आपको यहाँ पर GPU होता, तो GPU आपको वो ग्राफिक होते, तो इसमें ग्राफिक है ही नहीं। तो कभी भी अगर लैपटॉप आप परचेस कर रहे हैं तो आप आराम से उसको ग्राफिक चेक कर लें आराम से। आपको चेक करने का बता दिया कैसे चेक होता है। आप यहाँ पर डिस्क सी के बाद यहाँ पर GPU होता, तो GPU में पता चल जाता कि इसमें ग्राफिक है कि नहीं है। तो इसमें कोई ग्राफिक नहीं है, और लैपटॉप में ग्राफिक नहीं होते, लैपटॉप में GPU होते हैं। लोग जो बोलते हैं कि लैपटॉप गए इसमें 4 GB ग्राफिक, 8 GB ग्राफिक, ग्राफिक होते ही नहीं है। ग्राफिक होते हैं डेस्कटॉप में, लैपटॉप में GPU होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।